हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा दसवीं का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें से कि मैं पहले एक्सरसाइज 1.1 करा चुका हूं और 1.2 करा चुका हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, 1.3 में परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 1.3 कराने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज नॉलेज जान जाएंगे, जो कि जिसमें से कि है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, तो आइए पढ़ते हैं। तो बोलता है परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो P बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इक्वल टू नॉट क्या नहीं रहना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए। जैसे कि 1/2, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या। कैसे, देखिए ये P बाय क्यू के रूप में लिखा जा सका, है कि नहीं, P बाय क्यू के रूप में लिखा गया। P का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू कितना है, 2 है। जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, जो P बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या होता है। और जहां Q इक्वल टू नॉट क्या नहीं रहना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए। मतलब कि क्यू का वैल्यू हर में क्या नहीं रहना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जो P बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जैसे 1/0 हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय नहीं हुआ, वो परिमेय हुआ। क्यों, कैसे, यहाँ पर दिया गया है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि क्यू का मान जीरो नहीं रहना चाहिए। इसी कारण ये हुआ पी का मान, ये हुआ क्यू का मान। पी का मान है 1, क्यू का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि परिभाषा, वैसी संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0, वहां जहाँ क्या रहना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं रहना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब बताते, जैसे 1/2 हो गया, P का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। Q का वैल्यू कितना हुआ भाई, 2 हुआ। ये देखिए P बाय Q के रूप में है कि नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। जैसे 4/5 ले लीजिए, ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। 7/3 ले लीजिए, ये भी क्या हुआ, हमारा परिमेय संख्या हुआ। कैसे भाई, पी बाय क्यू के रूप में लिखा गया, इसीलिए ये परिमेय संख्या कहलाया। ठीक है, जैसे P का वैल्यू 7 हो गया, Q का वैल्यू क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। दिस इज द रेशनल नंबर, ओके। और इरेशनल नंबर कैसा, किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो P बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, वो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वो परिमेय बताएंगे, पहले परिमेय क्लियर कहते हैं, क्लियर कर लेते हैं, परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए क्लास में ही आपको क्या करा देंगे, याद करवा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। वैसी संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहां क्यू इक्वल टू नॉट 0, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, 1/2 ये हुआ, पी बाय क्यू के रूप में लिखा है भाई, पी का मान 1 है, क्यू का मान 2 है, 4/5 हो गया, ये हो गया P बाय क्यू के रूप में लिखा जा सका, इसलिए परिमेय संख्या हुआ। 7/3 हो गया, ये भी परिमेय संख्या। कुछ भी जो बटे के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर जैसे कोई पूछ देगा भाई 0 बता, परिमेय है कि अपरिमेय, आप बोलिएगा परिमेय संख्या। कैसे बोलेगा, कैसे, तो बताइएगा भाई नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और जैसे 2 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। कैसे, नहीं देखिए, नहीं कुछ तो क्या हुआ, ये होता है अंश, ये होता है अंश, नहीं कुछ तो ये हो गया हर, नहीं कुछ तो एक मानते हैं ना, जैसे 3 रहता है तो क्या करते हैं, नहीं कुछ तो एक रहते हैं ना, एलसीएम लेते होंगे, जैसे 2 + 3/2 हो गया, यही ना हो गया। अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, नहीं कुछ तो एक हुआ ना, तब ना ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, आप लेते हैं ना, तो ये देखिए 2 भी क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या, नहीं कुछ तो एक है नीचे में। ठीक है, ये मेरा अंश कहलाता है, ये मेरा क्या कहलाता है, हर कहलाता है। हर में क्या होता है, अगर बाय द वे कुछ 3 रहेगा या फिर 7 रहेगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 रहेगा, अपने मन से लगा देंगे। ठीक है,
क्योंकि भाग देंगे तो सेवन ही आएगा। इस प्रकार इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रहते हैं। इसको अंश बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है भाई, हर बोला जाता है। ठीक है, यही हो गया परिमेय संख्या। अब और एक बात यहाँ पे और कंफ्यूज होता है, सर बताएं जीरो एक परिमेय संख्या है, तो बोले आपकी नीचे में क्या रहेगा, नहीं कुछ तो एक रहेगा, हर में एक रहेगा, ये अंश हो गया, ये मेरा हर हो गया। तो ये पी का काम करेगा भाई, ये क्यू का काम करेगा, जीरो ये जीरो बट एक हुआ, ये पी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा, जो पी बाय क्यू के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो बोले तो बोलेगा कोई भाई प्रूफ करके दिखाओ, तो कैसे दिखाइएगा, प्रूफ करके ऐसे दिखाना, देखो एक से भाग लगे जीरो में लगाए तो एक जीरो बार में खिलाइए, एक गुना जीरो तो क्या हो गया जीरो, अब क्या करते हैं माइनस जीरो में जीरो हो गया खत्म, तो क्या हो गया जीरो आया, आया ना जीरो, नहीं जीरो आया, जो पूरा पूरा कट जाए उसे उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, कहते हैं ना उसी को बोलते जीरो। तक देखिए आ गया ना, प्रूफ करके आप तुरंत बता दीजिएगा कि जीरो में ये क्या है परिमेय संख्या, कैसे समझिए ना, जीरो बटे एक, जीरो बटे क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या, एक से आप भाग लगाइए, एक गुना जीरो बार में, एक से भाग लगे जीरो बार में, तो एक गुना जीरो बार तो जीरो, तो जीरो में जीरो खत्म हो गया, तो क्या हो गया जीरो ही आ गया, मेरा भागफल कितना आया जीरो आया, जीरो आया ना, तो इसी इसी इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जीरो भी क्या है परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। अब भाई देखिए जैसे कुछ कुछ को प्रॉब्लम होता है रूट में भी, रूट वाला सर बताइए, तो रूट वाला में वही कंडीशन क्या है, रूट वाला में कैसे जैसे रूट फोर गया, आप बताइए कि परिमेय को परिमेय रेशनल है कि इरेशनल है, बोलेगा सर जो जानता है वो बता देगा कि परिमेय संख्या, भाई बताओ तो कैसे होता है परिमेय संख्या, क्लियर करके तो बता, बोलना ऐसे दो चार को क्या लिख सकते हैं, दो गुना दो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, जब जोड़ा रहता है तो जानते हैं कि दो, जब जोड़ा रहता है तो दो गो का क्या लिखते हैं एक गो, बाहर कर देते हैं कॉमन लेते हैं ना, जब दो गो रहता है तो क्या करते हैं जोड़ा का एक लिखते हैं, जोड़ा का बाहर होता है वर्मूल, डायरेक्टली उतना नहीं जानते तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि चार का वर्मूल होता है दो, डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, जो रूट से बाहर हो गया वो परिमेय संख्या कहलाए, जो रूट से बाहर नहीं आया वो परिमेय संख्या हो गया, समझ में आया, याद रहेगा ना, बताइए कि रूट पांच क्या होगा परिमेय को परिमेय, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी, रूट पांच क्या है, ये क्या है वो परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा रूट से बाहर नहीं होगा, रूट से बाहर नहीं होगा, कैसे पांच को क्या लिख सकते हैं पांच गुना एक लिख सकते हैं, लेकिन इसका पांच का जोड़ा बन रहा है भाई, नहीं बन रहा है जोड़ा, इसीलिए क्या होगा ये वो परिमेय संख्या का लगा, यहाँ देखिए पांच है यहाँ देखिए एक है, तो पांच दो बार तो नहीं है जोड़ा नहीं लग रहा है, इसीलिए रूट से बाहर नहीं होगा, इस कारण से यह क्या हुआ दिस इज एन इरेशनल नंबर, ओके दिस इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है नॉट रेशनल नंबर, ओके रूट चार हो गया क्या हुआ रेशनल नंबर, समझ में आ गया, जल्दी से फटाफट आप लोग नोट राइट डाउन कीजिए, फिर स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है आग लगा देना परिमेय संख्या में, कोई भी पूछ देगा तो परिमेय संख्या जीरो क्या परिमेय संख्या है भाई, कैसे बता दिए ना, तुरंत बता देना है, तुरंत बताना जीरो बटे एक किया, एक से भाग देते हैं, एक से क्या करते हैं भाई भाग देते हैं, देखिए जीरो बार में लगे जीरो जीरो कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो क्या हो गया जो पूरा पूरा कट गया तो हो गया रेशनल नंबर, ठीक है, और जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा इसीलिए तो बोलते हैं, देखिए कट तो गया बात सही है कट तो गया, लेकिन नहीं कुछ तो एक है पी वाई क्यू के रूप में हुआ ना, बस बात खत्म, उतना ज्यादा देखना ना, उतना देखना ऑब्जेक्टिव में ज्यादा दिखाना नहीं पड़ता, बस समझना है और प्रूफ करके कोई पूछ देगा तो बता देना है कि जीरो एक क्या है रेशनल नंबर है परिमेय संख्या, कैसे आप भाग करके आप दिखा दो उसको क्या हो गया परिमेय संख्या, देखिए जीरो से कट के तो जीरो ही ना गया, जीरो आ गया इसीलिए एक लिखते हैं नीचे, ठीक है अब जैसे दो भी क्या हो गया रेशनल नंबर है, आप कुछ भी ले लीजिए सत्ताईस ले लीजिए, नहीं कुछ तो एक हुआ एक से आप भाग दीजिए क्या होगा सत्ताईस ना आएगा, ये देखिए पी वाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं, पी वाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं, किसी हो गया जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, जहां क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, इतना ध्यान में रखना है कि हर में कभी भी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए तब वो क्या कहलाएगी परिमेय संख्या, ठीक है रूट के रूट का भी मामला समझा चुके हैं और एक दोनों का रूट का बता देते हैं, जैसे सोलह हो गया कमेंट करके बताइए सोलह क्या है परिमेय है को परिमेय, परिमेय क्या देखिए जल्दी बताइए पांच सेकंड का अंतर है, पांच सेकंड जल्दी बताइए कमेंट करके, सोलह एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है,
कितना बार बोले कि जो रूट से बाहर निकल जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 16 को नहीं जानते तो 4 गुना 4 कर दिए, जोड़ा का एक बाहर होता है डायरेक्टली। जो ज्यादा तेज है तो बता दीजिए 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 हो गया, हो गया क्या? हो गया ना, नहीं कुछ तो एक देखिए पी बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ ना, एक से भाग दीजिए 4 हो जाएगा ना, तो परिमेय संख्या हो, जो पी बाय क्यू के रूप में हुए उसे परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर भी निकल जाए वो भी परिमेय कहलाएगा। जैसे रूट 17 निकलेगा कभी, ये भी वो परिमेय हो गया। यहाँ से परिमेय, वो परिमेय का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है। अब बताते हैं वो परिमेय संख्या क्या होती है। आग लगा दीजिए परिमेय और परिमेय, कोई कुछ बोले तो बता दीजिए क्लियर करके, ठीक है। वो परिमेय इसमें लगा दीजिए, वैसी संख्या जो वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो पी बाय के रूप में नहीं लिखा जा सके, क्या लिखेंगे? नहीं लिखा लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? वो परिमेय संख्या कहते हैं, जहां क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। अब देखिए परिमेय किसे कहते हैं, जैसे परिमेय क्या, रूट टू क्या हो गया? अभी तुरंत बताएं, अभी जस्ट बताएं, इसके पहले जस्ट बताएं, फ्यू ऑफ मिनट्स, इसके पहले मिनटों पहले मिनट में बताएं, क्या बताएं? जो रूट से बाहर निकल जाए, क्या हो जाए? जो रूट से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जो रूट से नहीं बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? वो परिमेय। रूट टू क्या होगा? टू बाहर होगा, टू बाहर होगा, कभी नहीं होगा, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? देखिए रूट रूट तो क्या है? परिमेय को परिमेय, वो परिमेय, ठीक है। ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, जिसके वजह से क्या हो गया? वो परिमेय हो गया। डेक्टली रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, रूट सेवन हो गया, ये सब क्या है? वो परिमेय संख्या, ठीक है। ये सब क्या हो गया? वो परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे क्या कहते हैं? वो परिमेय संख्या, ठीक है। इसी में होता है 1/0, क्या परिमेय को परिमेय, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट फटाफट आंसर होना चाहिए। 1/0 क्या हुआ? परिमेय, वो परिमेय हुआ, जल्दी से बताइए भाई। डायरेक्टली बोला ना वो परिमेय हुआ, डायरेक्टली बोलो ना वो परिमेय हुआ, ओ सॉरी ओ परिमेय हुआ, डायरेक्टली बताओ ना वो परिमेय हुआ। देखिए जीरो से भाग लगाइए, कभी लगेगा? कभी नहीं लगेगा। लगे लगाइए तो एक बार में 0 × 1 क्या हो गया? 0 हुआ, हुआ ना, 1 में 0 घटे 1 क्यों हुआ? फिर लगाइए एक बार में, चलता रहेगा, चलते रहेगा, ये इन्फिनिटी है, वो परिभाषित है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? वो परिमेय हो गया। कोई पूछ देगा 1/0 क्या हुआ? परिमेय हुआ कि वो परिमेय? डायरेक्टली आप बता दो कि ये क्या हो गया? वो परिमेय होगा। बोलेगा प्रूफ करके बताओ, तो बोलेगा देखो भाई प्रूफ करके ऐसे बताओ, दिखाते हैं। 0 1 है ना, आप क्या कीजिए, भाग लगे 0 × 1 क्या हो गया? 0 1 हुआ, फिर एक बार में लगे 0 × 1 0 हुआ, फिर लगाइए एक बार में 0, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। इन्फिनाइट तक, क्या चलता रहेगा? इन्फिनाइट तक, ये वो परिभाषित है। इसलिए क्या हो गया? वो 1/0 क्या हो गया? वो परिमेय संख्या हो गया। बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर 0 परिमेय है को परिमेय है, 1/0 परिमेय है कि वो परिमेय है, तो समझ में ना, जो भाग लग गया वो परिमेय कहलाता है, जो भाग नहीं लगता हो वो चलता जा रहा हो, लगातार चलता जा रहा हो, उसको कहते हैं वो परिमेय संख्या। 1/0 देख लिया ना, तो यहां से आपका वो परिमेय, वो परिमेय खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जिसमें कि एक्सरसाइज कराएंगे 1.3। अब थ्योरी दे दिया आप लोग को, अब थ्योरी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन। और क्या कीजिए, वीडियो का अच्छा लगे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप ही लोग पे भरोसा है, तो सपोर्ट कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू सो
प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड क्या प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।